फार्मासिस्ट हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। लगभग इनकी रोजाना करीब 200 की ओपीडी होती है, ये सारे दिन फ्री रहते हैं। आसपास के 10-15 गांव और ढाणियों में अपनी प्रैक्टिस देते हैं, सेवाएं देते हैं। और सर ने जब प्रोग्राम शुरू किया था उस समय इनका जो वेट था वो 94 kg था और अब सर 80 kg पे आ चुके हैं। तो इनका जो सब सारे कोर्स सर सब कुछ ढीला हो गए हैं। तो यस प्रोफ साहब, आपका शेड्यूल वाकई में बहुत बिजी, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो आपने कैसे अपना समय इसको मैनेज किया? तो भी हम सब क्या करेंगे, जो 2 क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे एक क्वेश्चन ले लेंगे, तो एक क्वेश्चन में ही अपने सबका आंसर दे रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते थे, क्या फायदा हुआ और आगे इसको लेके क्या प्लानिंग है। तेज डॉक्टर साहब प्लीज आपके बारे इसके बारे में बताएं। नमस्कार सर, जैसा कि सर बता रहे हैं मेरा वेट मैनेजमेंट के बारे में बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है पहले का। मेरे काफी सारे दोस्तों ने फील्ड में मैंने देखा है लोगों का वजन घटाते थे डाइट बंद करके और उसके बाद जैसे ही खाना शुरू करते थे वेट दोबारा से बढ़ जाता था। तो मैं भी यही सोच रहा था कि तो वेट मैनेजमेंट गया, दोबारा से बढ़ते मैंने लोगों को देखा है तो क्या करेगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने का शुरू किया, अगर ये कामयाब रहा तो मैं इससे बड़ा बिजनेस बढ़ाऊंगा। मेरी थॉट ये थी पहले से, तो मैंने लगातार जैसे लीव 360 शुरू हुआ मॉर्निंग की सारी क्लासेज और एक्सरसाइज में लगातार करता था और मेरे को शुरू में जो गट रिसेट वाले प्रोग्राम में मेरे को एकदम मेरा पेट बिल्कुल ढीला हो गया, एकदम से वेट लॉस हुआ। मेरे खुद को फील हो रहा है लोग टोकने लगे अच्छा बीमार नहीं हो रहे हो, चाय वाय मेरी बिल्कुल लगातार चल रही थी, मैंने बंद कर दी जैसे स्टार्टअप किया तो बार बार कमेंट आ रहे थे लोगों के। फिर मैंने क्लियर हो गया ये तो बहुत बड़ा गेम है। जैसे जैसे क्लासेस चलती थी और मैंने सारा का सारा खाना पहले पता नहीं क्या क्या खाते थे अब तरीके से खाना शुरू कर दिया। सलाद का नाम सुनते थे खाना तो अब शुरू किया हमें सलाद कैसे कहा जाता है। खाने की हैबिट चेंज की है, खाना बंद हुआ मैं सोचता था खाना बंद होएगा चाहे हम कितनी बार भी खाएं खाते रहें कोई दिक्कत नहीं है हमें। और मैं आपको बताऊं सच में बताऊं मैं पहले लेजी था, मेरे को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी 150-200 तक पल्स रेट स्पीड बढ़ जाती थी, मैं रुक जाता था फील्ड में काम करते करते कहीं भी। ये होने के बाद मैं रेगुलर एक्सरसाइज जाएगा बिल्कुल, मेरी एक हैबिट चलती थी वो भी नहीं चलती, काफी समय बंद हो गई है। इसके अलावा मेरे को लोग टोकने लगे, मेरे पास आगे से कॉल करने लगे लोग, डॉक्टर साहब कर क्या रहे हो आप। मैंने सोचा मैंने बताया लोगों को हेल्थ प्रोग्राम में फिट होने लग रहा हूँ, तो आगे से कॉल आ रहे हैं लगभग 10 लोगों का मैं गट रिसेट भी कर चुका हूँ उससे पहले और बहुत लंबी लाइने लगी है। तगड़ा बड़ा बिजनेस बनाने का सोच लिया है मैंने, अपलाइन की सारी तैयारी पूरी कर रखी है। और दोस्तों कॉलेज टाइम में बेस्ट एथलीट था मैं कॉलेज टाइम में, अब मेरे को फिर वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। दोनों सुबह सुबह दौड़ता हूँ दवा के और सारी वही एक्टिविटी, अपने आप को फिट बहुत फिट फील कर रहा हूँ। जब मैं इनके बाहरी शेड्यूल में से टाइम निकाल के अपने आप को मैनेज कर गया तो मेरे को लगता है हर आदमी इसको कर सकता है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा बहुत आसान है व्यस्त समय से निकाल लेंगे। और एक मैंने फील किया अपनी बाइक वगैरह की सर्विस हर 6 महीने करवाते थे, मैं 50+ का हूँ मैंने अपनी सर्विस तो कभी करवाई नहीं थी, तो मैंने सोचा अपनी सर्विस तो करवा ले कम से कम इस बहाने, तो मैंने सारे सप्लीमेंट लिए थैंक्स लिए 360, मेरे को तो 100% फायदा है जैसे मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत ज्यादा फायदा है। थैंक यू, आप भी कर सकते हो। वाह थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा फील किया और वाकई में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मैंने देखा है, पर्सन देखा है आप कितने एनर्जेटिक हो, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे पास नेक्स्ट पर्सन है योगेश यादव जी हैं जो PNB बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं और इनका शेड्यूल भी बहुत एक्टिव रहता है और काफी प्रेशर रहते हैं, टारगेट को लेकर प्रेशर होते हैं, न्यू पॉलिसीज को लेकर प्रेशर होते हैं। तो सर आप और मैंने देखा था जब भी आपसे मिलते थे तो डॉक्टर ने आपका जो फैटी लीवर बताया हुआ था, आप बहुत बार मेडिसिन ले चुके थे और बिल्कुल आपका टमी भी ऐसे गोल था और बिल्कुल आप राइट स्टेप में आ चुके हो, तो फिर आपने इसको कैसे मैनेज किया? और आपका वेट पहले 84 kg था और इनका 78 kg वेट आ चुका है, तो जो 6 kg वेट इनके था सारा बाकी तो ओके है वैसे ही, तो प्लीज सर आप बताएं इसके बारे में, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया? सर मेरा वेट तो 2010 से ही था, मैंने 2010 में सर्विस ज्वाइन की थी, मतलब ये लगा लीजिए कॉलेज से पास आउट होते होते मैं ये सब कुछ सामान अपने साथ ही ले आया था, मोटापा हाइपरटेंशन वगैरह उसी थे। और बैंक में आने के बाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, ब्रांच हेड बनाने के बाद तो स्टाफ की शॉर्टेज थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो हाइपरटेंशन प्लस BP और ओबेसिटी ये तीनों बहुत फ्रीक्वेंट हो गई थी। ये समझ लीजिए कि मैंने सारे मेथड लगाए उसको सोल्व करने के लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ।
जैसे जनरली लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां से कुछ मेडिसिन लेंगे, कुछ एडवाइस वो देंगे। तो डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते थे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती थी कि हैबिचुअल है हम कुछ चीजों के, नहीं छोड़ पाते, वो एसोसिएशन की वजह से नहीं छोड़ पाते, बहुत सारे रीजन है। और सबसे बड़ी बात इसलिए नहीं छोड़ पाते कि हम अपने बारे में सोचते नहीं है। अगर हम अपने पे फोकस करते तो शायद बहुत पहले छोड़ देते या वो लत लगती ही नहीं। तो लाइफ स्टाइल वो अपना प्राउड फील करने वाली बात होती थी वो लाइफ स्टाइल में जीना, जबकि ऐसा है नहीं। उसमें जब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपको बड़ी सीवियर प्रॉब्लम कुछ होने वाली है अगर यही कंटिन्यू रहा, तो एक अलार्म बेल बजी कि कुछ करना होगा, क्योंकि अभी तो बच्चे ही बहुत छोटे हैं। 2-3 महीने जिम में जाते थे और जिम का वही माहौल होता है जो जनरली होता है कि जो जाता है बड़े शौक से वेट उठाने लगता है, और जो ट्रेनर भाई साहब होते हैं वो भी अपने तरीके से उसको ट्रेन करते हैं, ये कर लो, दैट इज नॉट ए साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। उसी दौरान अब प्रोग्राम आया लीव 360, तो दिमाग में वही था कि जैसा चल रहा है मार्केट में वही सब होगा कि ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, आप फिट। लेकिन जब इंट्रोडक्शन हुआ प्रोग्राम से फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वहां से उन्होंने गट रिसेट फेज स्टार्ट किया फॉर 10 डेज, और जब गट रिसेट स्टार्ट किया साथ में जो एजुकेशन आई, तो फिर लगा कि मैं किसी क्लासरूम में बैठे कोई ऐसी नॉलेज की चीज ले रहा हूं जिसको मैं अपना एक बहुत बड़ा वेपन बना सकता हूं अगेंस्ट अनहेल्दी थिंग के अगेंस्ट, वो वेपन बन सकता है। और 10 डेज होते होते आप ये लगा लीजिए 2-3 kg मेरा वेट लॉस तो वही होगा जिसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं की, जिसमें कुछ चीजें अवॉइड की जो कि प्रिकॉशनरी करनी होती है, कुछ उसमें चेंजेस के डाइट में थोड़े थोड़े चेंज करके, वो 10 डेज के अंदर जो रिजल्ट आया उसने मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया। सिचुएशन ये है, फिटनेस लेवल ये है कि जब तक मैं सुबह 6-7 किलोमीटर रनिंग नहीं कर लेता तो मुझे लगता है कुछ किया नहीं आज। और वो रनिंग होती है, फास्ट रनिंग होती है, बहुत सारे लोग विटनेस है उस चीज की मेरी सोसाइटी के अंदर। अब मन में ये आता है जो बंदा दिखता है कि यार ये तो बीमार है, इसको कुछ बोलना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, ऑटोमेटिक आता है। जब आप फिट होते हैं तो ये सारी चीज अपने आप होती है, किसी प्लान की जरूरत नहीं होती, ना किसी एजुकेशन की जरूरत होती है जब आप फिट होते हो। तो जब सुबह जाते थे कोई दिखता था तो क्लासेस मेरी उसी फोन पे चल रही होती थी, वो कह रहे भाई साहब आप रेगुलर हो और फिट हो, क्या कर रहे हो? मैं ये कर रहा हूं, आइए, वहीं पे अपॉइंटमेंट सेट। फिट होने के लिए तो कोई भी तैयार है ना, आपको तो हाथ लगाने की जरूरत है, बस उसको बोलिए तैयार हो जाएगा। बस थोड़ी सी चीजें हैं जो उसको मिसकंसेप्शन वो दूर करने हैं, वो तो हर किसी को करने होती है, डॉक्टर्स भी मिसकंसेप्शन दूर करते हैं तभी मेडिसिन काम करती है। तो ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है और साइंटिफिकली डिजाइंड है, आपकी हैबिट्स को इंप्रूव करता है, आपकी लाइफस्टाइल एक्चुअल जो लाइफ में स्टाइल होनी चाहिए वो ऐड करता है उसके अंदर, जिसको हम लाइफस्टाइल वैसे बोलते हैं वो नहीं है, ये एक्चुअल में ऐड करता है, इंप्रूवमेंट करता है। हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, सुबह का जो ब्रेकफास्ट लेते हैं वो दौड़ते करते हैं, लंच का करते हैं थोड़ा बैठ के करते हैं, और शाम का तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते, दबा के लेते हैं पूरा। तो ये वाला ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर हुआ, और सुबह का अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर का थोड़ा सा लाइट, और जो भी हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर डिजाइन किया गया उसको फॉलो करते हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि मुझे कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसमें लॉस ये हुआ कि मुझे जो ड्रेसेस वो नहीं खरीदनी पड़ रही, ठीक है, 42 की शर्ट आती है, 39 की आ रही है, तो मैंने बड़ा मुश्किल से रोका अपने आप को कि बस एक ही जोड़ी ठीक है, इतना लॉस नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, नेक्स्ट मंथ में। शर्ट 39 के लिए, ट्राउजर जो 36 आता था वेस्ट में, अब 32 का लिया है, तो बहुत बड़े चेंज है, वो लॉस में डील कर सकता हूँ, नो इश्यू। थैंक यू, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि शेड्यूल और दिमाग का प्रेशर होते हुए भी हमने कर दिया, क्योंकि कारगर सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोग्राम है। ओके, तो हमारे पास में नेक्स्ट पर्सन, हम प्लीज थोड़ा 2 मिनट में ही प्रयास करेंगे आपको सम्मिलित करने को, क्योंकि आपने अचीव किया है तो बहुत मुश्किल 2 मिनट में करना है, पर 2 मिनट क्योंकि हमारा, क्योंकि इसके बाद कुछ और विशेष आने वाला है, इसलिए उसके लिए हम बहुत जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, हमारे पास में वीरेंद्र जी हैं जो कि टेक्सटाइल इंजीनियर है, और
वही एक कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ होती है, हेक्टिक शेड्यूल, प्रेशर सब इनके पास भी, और इनका 71 kg वेट था, तो ये लगभग 65 किलो में आ गए। पहले बहुत आनंद करते थे वेट कम करने के लिए, बट वो बात नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे इनका वेट कम हो गया। और मजे की बात क्या है, इनकी बॉडी उम्र जो एज थी ना, वो पहले लगभग 47 दिखाता था HR रिपोर्ट के अंदर, और अभी अपनी रियल एज के अंदर आ गए, असली उम्र के अंदर आ गए। तो सर आप मेरे को बोलते थे पहले सर मेरा थोड़ा जिद्दी फैट है, वेलकम हो ही नहीं रहा, तो आपने जिद्दी फैट पे कैसी विजय पाई, प्लीज थोड़ा सा बताएं 2 मिनट में। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा सर ने आपने सही बताया कि फैट का, तो मैं शायद पहले करता था, तो जब ये प्रोग्राम आया तो मिसेज बोली और कितने करोगे, क्योंकि आपका कम से पहले भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एक घंटा एक्सरसाइज करता था, रेस भी लगा ली मैंने, मैंने जिम में भी ज्वाइन कर लिया, और वो 2 महीने पूरा दौड़ लगाता था, फिर थक के छोड़ देता था। इसमें आए तो इसमें पता लगा कि इसमें एक्सरसाइज ही नहीं करनी, इसमें तो आपके बॉडी के मूवमेंट सिखाए जाते हैं, वो मूवमेंट जो हमारे डेली वेज में काम आते हैं, और हम उनको छोड़ दिए। जैसे घर में कोई चीज़ उठानी है, कुछ और सामान उतारना है, उठना कैसे है, लेटना कैसे है, मूवमेंट कैसे करना है, कौन सा पार्ट क्या हिस्सेदारी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बोला जी मतलब ये कर रहा था, मेरा खिंचाव आ गया, क्यों आ गया, वो बॉडी मूवमेंट ही नहीं था। तो धीरे धीरे वो जो अच्छे ये पार्ट थे, वो मिनल मैडम ने भी अच्छी तरह हमारे पार्ट भी ओपन कर दिए, और उन्हीं की वजह से जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, जो बॉडी के साइड का फैट था, जो यहाँ का फैट था, वो जाता नहीं था। अब उन्हीं के मूवमेंट से धीरे धीरे करने से वो सारा मूवमेंट मेरा उसी काम से हो गया। दूसरा जो खाने का जो बताया गया था, खाने के बारे में तो मेरे एसिडिटी बहुत बन गई और मेरा धीरे धीरे नीज में पेन शुरू हो गया था, तो आज इस खाने की वजह से मेरा जो एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो हो गई है, क्योंकि शाम को खाने के बाद मैं दबा के खा लेता था, मीठा का तो शौकीन थे, और चाय तो पहले नहीं पीते थे, वो तो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम रहा जिसके हम टाइप के पहले भी आदमी थे, तो इससे वो बेनिफिट मिल गया। और रही बात इस प्रोग्राम को लेके लाइफ के लिए, तो ये जैसे मैं खुद को हेल्दी कर पाया, और जैसे सोसाइटी में देखता हूँ तो हर आदमी मोटा भी है और बीमार भी है, कुछ ना कुछ दवाई ले रहे, मतलब दवाई एक सोल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम के शुरुआत का हिस्सा है। तो उसको देख के मेरे को लगता है कि क्यों ना मैं अपने साथ उन लोगों की जो मेडिसिन है, जो उनके बेड पे मेडिसिन रहती है, वहाँ मेडिसिन न रह के उनकी हेल्दी लाइफ रहे, सुबह जो उठे वो हेल्दी के साथ उठे। तो आज सोसाइटी में जब मैंने शुरू किया, सोशल मीडिया पर कुछ डाला, अपना स्टेटस डाला, तो लोगों का कमेंट्स है कि सर आप तो पहले भी करते थे, बोल क्या शुरू कर दिया। मैं सर वो पहले प्रोग्राम अलग था, ये डिफरेंट है। तो बोला ठीक है सर, तो आज कुछ 2 दिन हमारे साथ में शुरू भी कर चुके हैं, और धीरे धीरे लोगों के ग्रुप बनता जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सोसाइटी और मेरे शहर में काफ़ी जो लोग हैं जो आज बीमारी से ग्रसित हैं या फिर अपनी हेल्दी लाइफ को चाहते हैं, तो मैं उनको ठीक बेटर कर सकूँ। थैंक यू सर। वाओ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने अपनी जितनी फैट को खत्म कर दिया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हमारे साथ में सुरेंद्र सिंह जी, जो कि एक्स रिटायर्ड सूबेदार साहब हैं, और ये डिफेंस में थे, उस समय योगा कोच थे, तो योगा भी सिखाते थे, और रोजाना 1 घंटा योगा को देते भी थे। तो उसके बावजूद भी जब इस प्रोग्राम में आया, तो इनका 81 kg वेट था, इनकी हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, जो कि परफेक्ट था, और अब ये 73 kg पे आ गए। और मजे की बात की, जो विजल फैट था, जो कि एक साइलेंट किलर होता है, अंदर के ऑर्गन्स के 4% फैट होता है, वो इनका 13 था, अब 9 पे आ गया। और उससे जो तगड़ी बात है वो क्या है, इनकी उम्र है, जो बॉडी एज है, वो 49 आ गई, जो 61 साल के आज बॉडी एज 49 साल बता रही इनकी। तो सर प्लीज आप बताएं आपने इसको कैसे मैनेज किया, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसे कि सर ने बताया कि मैं आर्मी से हूँ और अपने आप को बहुत फिट महसूस करता हूँ, करता था भी, क्योंकि मैं तकरीबन आज 20 साल हो गई योगा, थोड़ा माइक पर करता है सर, लगातार योगा करता हूँ मैं, और 20 साल से करता आ रहा था आज तक। और जब ये प्रोग्राम आया था उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा ज्वाइन करते हैं, और जब शुरू के अंदर आचार्य हुआ उसके बाद में पता चला कि हाँ ऑर्गन्स में काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन योगा करने के बाद भी लोग भी बोलते हैं ना, मैं डेली करता हूँ। और कारण एक ही था कि हम जो कर रहे थे अपनी मर्जी से कर रहे थे, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं था साइंटिफिक क्या है, और अब जो करवाए गए इसके अंदर आकर के, वो हमारा एक पर्टिकुलर तरीके से करवाए गया अलग अलग। जैसे पहले गट्स रिसेट हुआ, गट्स रिसेट के बाद पता ही नहीं था लोगों को, हमें भी नहीं पता था क्या चीज़ है, और उसका रिजल्ट आया बहुत बढ़िया। पहले हफ्ते में 4-5 किलो वजन कम हो गया। दूसरी हमारी जो हैबिट्स थी खाने की, दिन भर में खाते रहते हैं, आम आदमी खाता है, और
जो हम खाते हैं उसके बारे में पता नहीं है, खाते जरूर हैं लेकिन उसका नुकसान का नहीं पता हमारे को, अब क्या नुकसान करेगा सर्जी करने से आगे। तो उसको चेंज किया, वो धीरे धीरे आज मतलब बॉडी ऐसी हल्की है, महसूस करते हैं अपने आप को, जैसे सर ने बताया कि एज 49 है, अभी 61 है वैसे मेरी, तो अपने आप को बहुत फील महसूस कर रहा हूँ। और जिन भी साथियों ने प्रोग्राम को शुरू में किया था वो किसी वजह से नहीं कर पाए, तो इसे रिक्वेस्ट है दोबारा करिए, और बाकी चीज़ें नहीं किया सभी करो, क्योंकि अपनी हेल्दी लाइफ है ये, लाइफ को बहुत लंबा जीना है और इन्जॉय करना है तो ये करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा पार्ट इसके अंदर रहा कि एजुकेशन का, जब तक एजुकेशन आपको नहीं मिलेगी तो ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस चीज़ के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसको कर पाएंगे। तो यही हमने प्रोग्राम के अंदर किया, और थैंक यू लिफ्ट 360 का और हमारी पूरी टीम का, थैंक यू सर। थैंक यू। आप कुछ बताते कमिटमेंट याद ना, क्या कर रहे हैं, क्या बताते हैं, एक दो तो 10 सेकंड बताओ आप, बोलते कि अब इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या प्लान है, क्या प्लानिंग है अभी, प्लानिंग आगे की। सबसे पहले मैंने अपने घर से स्टार्ट किया है, फैमिली का ही, क्योंकि पहले फैमिली